मॉर्निंग में क्या होता है ना, सब लोग इंतजार करते हैं सूर्यदेव का। एक्चुअली क्या है कि देखो अभी यहाँ पर पूरी इस साइड में पूरी छाया है, मतलब उस पहाड़ी के पीछे से निकलते हैं तो पूरा गांव वाले वेट करते हैं कि उनके घरों पर आ जाए, जिनके घर दूर दूर हैं, मतलब साइड है वो सामने वाला घर है। इधर तो यहाँ धूप आ गई है, हमारी छत पर भी अब आना स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे हमारे आंगन में पहुँच जाएगी। देखिए अभी आंगन में धूप बिल्कुल धूप नहीं है, तो रात में जो पाला पड़ा है उसकी वजह से अभी अगर कोई चप्पल पहन के भी चलेगा या नंगे पाँव भी चलेगा तो उसके हाथ पाँव हो जाएंगे बिरा कर देंगे। देखिए पूरे छत पर पाला गिरा है तो अभी वो पिघल रहा है, तो जब सुबह यह पिघलता है तो ज़्यादा ठंडा होता है, शाम के टाइम में उतना ठंडा नहीं होता, लेकिन जब सुबह पाला पिघलता है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो सेम कपड़े हैं भाई, ज़्यादा कपड़े मैं लेके आया नहीं था, तो एक जैकेट अपनी यूनिवर्सल है तो जैकेट तो हमेशा रहती है, अंदर के कपड़े चेंज होते रहते हैं। तो फिलहाल आज अपना है प्रोग्राम कि यहाँ से थोड़ा, मतलब द्वारा से थोड़ा दूर जाए, एक बहुत प्यारा हिल स्टेशन है हमारे, मतलब गांव से करीब आपके 70-80 किलोमीटर दूर होगा, तो वहाँ हमारे जाने का प्लान है कुछ गांव के दोस्त हैं उनके साथ, तो आज जाएंगे वहाँ पे। फिलहाल अभी मॉर्निंग में बजे हैं करीब 8:30 हुआ है, और पूजा वजा मैंने कर ली है क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी जल्दी उठ के, पापा 5 बजे उठते हैं तो वो 5 बजे को योगा करते हैं, आग आग ला के पानी गर्म कर देते हैं, देन फिर मैं उठता हूँ, फिर नहा धो के पहले आगे मैंने जैसे साफ किया, नहा धो के मैं फिर पूजा में अपना बैठ जाता हूँ, पूजा वजा पूरी होगी है, खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं, 9-9:30 बजे से खाना खा लेंगे, 2 टाइम खाना चलता है पहाड़ में सर्दियों के टाइम पे, एक सुबह एक रात को, दिन में थोड़ा बहुत नाश्ता, कभी नींबू छान लिया कभी कुछ कर लिया, तो ऐसा कुछ है। तो फिलहाल अभी हमारा प्रोग्राम है करीब दिन के 12 बजे जाने का, एक मेरे का एक काम है मार्केट में। एक्चुअली मेरा क्या हुआ कि साइड मिरर ड्राइवर साइड का कोई तोड़ गया था जब मैं आया था रानीखेत में, एक मोटरसाइकिल वाला आया और घर से तोड़ के भाग गया, तो वो मैंने मंगाया था हल्द्वानी से, वो शायद आ गया है बाज़ार में, तो वो लेके आना है, पहले वो लगाएंगे फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से हम लोग बागेश्वर की ओर और जाएंगे वाले खूबसूरत हिल स्टेशन। ओके बाय। वहाँ जेबी वाले बहुत कहाँ गए, वहीं वहीं हैं, जय श्री राम, जेबी वाले वहीं हैं, श्री राम को जय। खाने के लिए दिया है रास्ते में माल्टा, तो बैग मैंने पैक कर लिया, तो अभी निकल लें, तो करीब 11:30 बज गया, गांव का रास्ता है, अभी हमारे घर के पास में जी वाली लाइट लग गई है सौर ऊर्जा वाली, तो इसमें रात में घर के आसपास उजाला रहता है। मोस्टली क्या है गांव पूरा ये स्ट्रीट लाइट है, तो कौन सी वाली आपके सौर ऊर्जा वाली, तो सौर ऊर्जा वाली जितनी स्ट्रीट लाइट है वो सारी की सारी लग गई है। देखो गाय खड़ी है यहाँ पे, ऐसी गांव में कूड़ादान लगे हैं इनका कोई मतलब नहीं होता, मतलब गांव में कूड़ा होता ही नहीं है, जो कि ऐसा हुआ रो वाला वो गायें खा जाती हैं, और जो प्लास्टिक वाला होता है वो सब जल जाता है आग के अंदर। तो ये है हमारे गांव का माता का मंदिर। तो मैं और पिंकू निकल गए हैं द्वाराहार से हम लोग पहले जाएंगे यहाँ से सोमेश्वर, फिर सोमेश्वर से हम लोग को जाना है पहले बागेश्वर, फिर बागेश्वर से हम लोग को जाना है कांडा, ऐसे मतलब बीच में हमारी सवारियाँ हैं कुछ, उन लोग को उठाना है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे चौकड़ी, बेरीनाग के पास में चौकड़ी एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, तो फिलहाल हम लोग वहीं जा रहे हैं, तो दूरी करीब मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर रहेगी, तो देखो वही यहाँ के पता चलेगा कितनी दूरी है, अभी 158 किलोमीटर में हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो वहाँ जाके पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस है द्वारहार से लेकर चौकड़ी तक का, और वहाँ जाके देखते हैं होटल कितने रुपये के मिल रहे हैं क्या मिल रहे हैं, तो वहीं जाके पता चलेगा। 31st का टाइम है तो होता है न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन के लोग आए होंगे, तो मे बी भीड़ भाड़ ज़्यादा रहे और मिले भी ना भी मिले कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे जा रहे हैं मतलब, तो जा रहे हैं तो अनप्लान है, तो वहीं जाके प्लानिंग पूरी होगी। फिलहाल हम लोग हैं सोमेश्वर घाटी में, तो ये पूरा सोमेश्वर है, इधर मार्केट है, थोड़ा उधर मार्केट कंजेस्टेड है तो वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं होती, तो यहाँ पर से निकलती है कोसी नदी, ये उस साइड में जो पहाड़ है सामने वाला,
उसके पीछे है ठीक कौसानी, एक रास्ता बागेश्वर का याला भी जाता है। और फिलहाल हम लोग आए हैं इस रास्ते पे, तो ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट है ऐसा बोलते हैं लोग, तो इसमें हम लोग को उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ट्रैफिक भी ज़्यादा रहेगा, कौसानी में भीड़ ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। तो हम लोग जा रहे हैं ये वाला रास्ता जो जाएगा आपका चौड़ का गोलू देवता का मंदिर पड़ता है यहाँ पर, उस रास्ते होते हुए जाएगा। तो यहाँ पर मिले हम अपने दोस्त से, बहुत बचपन का पुराना दोस्त था, तो इंटर तक हम दोनों एक साथ पढ़े रानीखेत में। तो इनकी यहाँ पे शॉप है, सौरभ जोशी तुम्हारे यहाँ आता है ना? हाँ, सौरभ जोशी यहीं आता है सब। हाँ बहुत, सौरभ जोशी का गांव यहीं है बगल में ही। हाँ, तो वो इन्हीं की दुकान से शॉपिंग करता है, तो ये मेरे को बता रहे थे आता है, तू भी आना मेरा ब्लॉग बनाएगा फर्स्ट क्लास। तो भाई से मतलब हाँ, काम धेनु वस्त्र भंडार एवं सूट सेंटर नाम है इनका, तो ऐसा कुछ है अंदर की दुकान कपड़ों वाली, काफ़ी बड़ी है। सोमे से सबसे बड़ी दुकान होगी ना ये, है पूरी दुकान इनकी। तो आप यहाँ आके मतलब शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं भगवत भाई के पास आके। हम दोनों इंटर तक एक साथ पढ़े, तो आज यहाँ निकल लेते सोमे सर से, तो मैंने कहा चलो इनसे मुलाकात कर लेते हैं थोड़ा। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में। तो यहाँ पर लगता है उत्तरायणी का कौतिक मेला, वो भी 13 और 15 जनवरी को हर साल लगता है, बहुत भव्य मेला होता है, बहुत बड़ा। और कुमाऊं की संस्कृति में उस मेले का काफ़ी योगदान है। तो यहाँ पर शिव जी ने बाघ का अवतार लिया था, तो इसलिए इसे बाबा बागनाथ बोलते हैं। तो यहाँ नीचे इसका मंदिर है, जहाँ जिस रोड पर हम जा रहे हैं, बस उसके थोड़ा सा जस्ट इसका नीचे इसका मंदिर है। तो ये है बाबा बागनाथ की भूमि। तो यहाँ पर है वन वे, तो हम लोग को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। यहाँ से तेजम करीब 80 किलोमीटर है, जहाँ से मुंशारी से 20 किलोमीटर पड़ेगा, और वहीं से आपको बिट्टी फॉल भी है तेजम के 10 किलोमीटर दूर, आप बिट्टी फॉल भी जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ये कपकोट से होते हुए सामा होते हुए आप पहुंच सकते हो आराम से यहाँ से मुंशियारी भी, मुंशियारी का रास्ता भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, बहुत खूबसूरत रास्ता है। और जो सामा जो तहसील है वो और ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये है नीचे सरयू नदी, जिसके किनारे पे पूरा बागेश्वर शहर बसा है, और इसके चारों ओर टॉपेज में एक एक मंदिर भी है। तो आप यहाँ घूम सकते हो और बागेश्वर के उत्तरायणी कौतिक मेले में आ सकते हो जनवरी के टाइम पर। तो इतना कुछ है बागेश्वर के बारे में। तो हम लोग यहाँ से अब चलते हैं सीधे कांडावाई रोड पे, क्योंकि हम चौकड़ी पड़ेगा कांडावाई रोड पे, तो हमको यहाँ से कांडा की ओर जाना है। तो वन अभी विजयपुर में चाय पीने के लिए, तो नीचे वहाँ बकरी के बच्चे हैं, नीचे खेत में लोग काम कर रहे हैं। अपना भाई, अपना पटवारी भाई मिल गया है यहाँ से, तो एक भाई यहाँ से उठाना था, एक भाई स्कूटी से भी आ ही रहा है, पता नहीं कहाँ पहुँचा है वो। कह रहा है मैं बस कांडा पहुँचने वाला हूँ, कांडा पहुँचने वाला हूँ, पता नहीं कब पहुँचेगा। कांडा से मतलब करीब कुछ दूर यहाँ पर सनसेट होने वाला है, तो करीब शाम के बजे हैं 4, तो हम लोग निकले दिन के 12 बजे, 4 घंटे हमको लग गए पहुँचने पहुँचते, जिसमें हमने 1 घंटे वेट किया है सोमेश्वर में। तो ऐसा कुछ है मतलब यहाँ का, अभी चाय आती है, चाय पीते हैं, फिर यहाँ से चौकड़ी है करीब आपके 10-12 किलोमीटर और, तो वहाँ हम लोग और जाएंगे अभी 10-12 किलोमीटर, फिर जाके वहाँ होटल सेट करते हैं। होटल सेट करके आपको दिखाते हैं क्या रेट में होटल मिल रहा है चौकड़ी में। तो हम लोग पहुँच गए हैं अपने होटल पर, मतलब हम लोगों ने होटल में फिर ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, तो ये गोदावरी वाला हमने किया था बुक, तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं रहने के लिए। तो यहाँ पर आके अभी रूम देखते हैं, बहुत सारे होम स्टे हैं कल को दिखाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं चौकड़ी, तो हम लोग गए हैं होटल गोदावरी पैलेस, एंड यह सामने नंबर लिखा है, तो आप नंबर देख के आ सकते हैं। यहाँ पर अदर भी होम स्टे बहुत सारे हैं, ऊपर को भी बहुत सारे हैं, नीचे को भी बहुत सारे हैं, और कुछ सामने का नज़ारा है इस होटल से ऐसा देखिए।
उधर सामने पंजाचली पीक्स है, कल सुबह दिखाई देगी, तो कल सुबह वाले ब्लॉग में देखना उस पीक्स को। अभी रूम दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है। कैसा है अभी रूम? ये है भैया अपना रूम। हम लोग मतलब हो गए, हाँ हम लोग चार लोग हो गए, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर है परिवेश, यहाँ पर सब शीशा ऐसा सब लगा हुआ है, तो ऐसा यहाँ पर टीवी भी है साथ में, मतलब अच्छा है रूम। और बाहर का अगर व्यू आपको दिखाऊँ तो यहाँ से ये है अपना, ये है अपना होटल। उस साइड भी रूम है, इस साइड भी दो रूम है, नीचे ओनर का घर है। तो यहाँ पार्किंग है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी खड़ी है। सामने मॉर्निंग में सनराइज यहाँ सामने से होगा बिल्कुल एकदम से। और नीचे इनका रेस्टोरेंट भी है, तो खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग इस पर अच्छा है, तो आपकी गाड़ी यहाँ पर पार्किंग में आराम से लग जाएगी। तो ये था रास्ता, कहाँ से ये रास्ता था द्वारहाट से लेके चौकड़ी तक, हिल स्टेशन जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बेरीनाग के पास में। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।